नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यशोदा देवी आई केयर पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत। मैं हूँ आपका दोस्त क्लिनिकल कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट श्याम बाबू, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ट्रायल फ्रेम। जी हाँ, अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो ट्रायल फ्रेम के बारे में ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि यह एक अहम पार्ट है जो हमारे ऑप्टोमेट्री लाइन का। इसके बगैर अगर ये चीज़ है तभी हम किसी की आँख का रिफ्रैक्शन कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो हम किसी की आँख का जो नंबर है वो नहीं निकाल सकते। तो आज हम ये बताएंगे कि ये जो ट्रायल फ्रेम है ये कितने भाग में मिलके बना होता है, या इसमें जो कॉलम होते हैं तो उनमें कौन से लेंस प्रयोग किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पास ट्रायल बॉक्स है, तो ट्रायल बॉक्स में आप देख रहे होंगे ये जो ट्रायल फ्रेम है, ये ट्रायल फ्रेम चार भाग से मिलकर ये एक फ्रेम बना होता है। पहला जो आप देख रहे होंगे, ये जो स्लॉट देख रहे हैं, जो पहला भाग है, इसे फर्स्ट कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। जो पहला भाग है इसमें जो हाई इंडेक्स होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्लस ए, जो हाई इंडेक्स ज़्यादा पावर के लिए होता है वो उसके लिए यूज़ करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यह हाई इंडेक्स है, जो वो हम इसे पहले भाग में यूज़ करेंगे, या जो जेनोपिक स्लिट होती है आप देख रहे होंगे ये उसके लिए ही किया जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे मेडॉक्स रॉड भी इसी भाग के लिए यूज़ किया जाता है, और जो डिप्लोपिया ग्लासेस होते हैं, जो रेड ग्रीन ग्लासेस हैं, वो भी जो पहला भाग है उसी के लिए ही यूज़ किया जाता है। मेडॉक्स विंग भी इसी के लिए ही यूज़ किया जाता है। अब हम आ गए दूसरा भाग, ये ट्रायल फ्रेम का दूसरा कंपार्टमेंट होता है, या दूसरा भाग कहते हैं पहले से, जिसमें कि डिस्टेंस विजन के करेक्शन के लिए हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। जी हाँ, इसमें जो डिस्टेंस विजन का करेक्शन के लिए हम इसे प्लस या माइनस नंबर यूज़ करते हैं, ये हमेशा डिस्टेंस विजन के लिए होता है। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया, और जो तीसरा पार्ट है मेनली एस्टिमेटिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, जो है जिसमें कि डिस्टेंस मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए जो सिलेंड्रिकल पावर होती है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने उठाया प्लस सवा नंबर यानी कि प्लस 1.25, तो ये सिलेंड्रिकल नंबर आप देख रहे होंगे इस पर ये निशान है, तो ये डिग्री है जो आप देख रहे हैं, ये डिग्री बनी हुई है, एक्सिस बनी हुई है, तो ये मेनली सिलेंड्रिकल पावर के लिए यूज़ करते हैं। और जो इसका चौथा कंपार्टमेंट है, जैसा कि आपने ये देखा, चौथा कंपार्टमेंट हमेशा जो होता है या तो ऑक्लूडर के लिए यूज़ करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं, या फिर पिन होल के लिए हमेशा यूज़ करेंगे। तो ये थी जानकारी जो कि ट्रायल फ्रेम के चार कंपार्टमेंट्स की जो मैंने आपको बताई है, वो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी कि जो ट्रायल फ्रेम में चार कंपार्टमेंट होते हैं उनमें जो लेंसेज होते हैं अलग अलग तरीके के, वह लेंस अपनी जगह कहाँ सही पे लगते हैं, पहले कंपार्टमेंट में कौन से लगते हैं, या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ, ये चारों कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके के जो लेंस होते हैं मेनली यूज़ किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और इसका यूज़ जो होता है मेनली एरर ऑफ लेंस लगाकर एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये जो ऑप्टोमेट्री लाइन में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट का ये एक अहम इक्विपमेंट है, इसके बिना हम जो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन है या किसी का जो नंबर हम करते हैं डिस्टेंस एरर ऑफ रिफ्रैक्शन का जो करेक्शन है वो इसके बिना अधूरा है। आज के भी समय पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज के टाइम पे ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि कौन से भाग में कौन से लेंस लगाने चाहिए, कुछ लोग इसमें उल्टे सीधे भी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जो मैंने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप कि पहला दूसरे तीसरे चौथे में किस तरीके के लेंस लगेंगे, तो आपको ध्यान देना है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और हमारे चैनल यशोदा देवी आई केयर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की आँख की रोशनी बचा सकता है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।